हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और आगे टॉपिक कंटिन्यूस करेंगे। हमने कैलकुलस स्टार्ट किया है जिसमें हमने पढ़ लिया सातत्य कंटिन्यूटी, और आज हम उसी का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे डिफ्रेंसिबिलिटी, दैट मीन्स अवकलनीयता। तो देखिए अवकलनीयता क्या है। डिफरेंसिबिलिटी या हिंदी में अपन बोलते हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता क्या है, देखो कंटिन्यूटी समझ में आने के बाद डिफरेंसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कंटिन्यूटी होता है एग्जैक्ट उसी तरह से अवकलनीयता होता है। बस एक दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाने वाला है, इसके बाद हम बहुत फ्लो के साथ में फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो अवकलनीयता होता क्या, देखो कोई भी फलन, कोई भी हमको फंक्शन दिया है, सपोज वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मान लो वाई एक्स का एक फलन है और हम चेक करना चाहते हैं कि यह फलन को अवकलन किया जा सकता है कि नहीं। यदि वो अवकलन किया जा सकता है, डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और नहीं किया जा सकता तो अवकलनीय नहीं है। अब देखो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने का जो फार्मूला है वो डी वाई बाई डी एक्स, हम उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं सिंगल डैश, आगे मैं और बताते जाऊँगा आपको। और इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, लिख सकते हैं फार्मूला है अपने पास लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, यह अवकलन प्रथम सिद्धांत से अवकलन, आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का ये फार्मूला है। यदि इस तरह से हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, उसका प्रथम अवकलन निकालें, तो ये उसको निकालने का फार्मूला है। अब इसके बेस पर हम उसके दो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जिसमें से एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव्स। और राइट हैंड डेरिवेटिव्स सपोज हम किसी पॉइंट पर उसको, उसकी अवकलनीयता चेक करना चाहते हैं कि मान लो ए एक बिंदु है जहां पर हम उसका राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालना चाहते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश ए इक्वल टू हो जाएगा ये लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन एच, जहाँ पर h को बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से, h ग्रेटर देन जीरो। ये कहलाता है राइट हैंड डेरिवेटिव्स, और इस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं, क्लियर। और हमको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो वो निकालते हैं उसका जो f डैश a होगा वो लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए और अपान में होगा माइनस एच, वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। और यदि दोनों बराबर हो जाएं, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वह राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए, तब फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इस कंडीशन में फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और यदि दोनों बराबर नहीं हैं तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। जैसे मैंने कंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशन बताया था, वहाँ हम फंक्शन ऑफ ए भी फाइंड करते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, दोनों के डिफरेंशिएबल होने के लिए ये कंडीशन है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमको कंबाइन चेक करना होता है क्वेश्चन को, कि दिया गया फलन अवकलनीय है और सातत्य है, दोनों चीज़ यदि हमको चेक करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये नोट याद रखना हमेशा, एवरी डिफरेंशिएबल, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होगा वह क्या होगा, सतत भी होगा। हिंदी में अपन क्या कहेंगे इसको, प्रत्येक अवकलनीय फलन,
प्रत्येक अवकलनीय जो फलन होता है सतत भी होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह ध्यान रखना कि यदि कोई फलन क्या है अवकलनीय है, मान लो हम उसको डिफरेंशिएबल प्रूफ कर दिए तो कंटिन्यूअस भी होगा, अवकलनीय तो सतत। लेकिन इसका जो प्रतिलोम है, इसका जो उल्टा है, वह कंप्लीट सत्य नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब जो प्रत्येक फलन जिसको हम अवकलनीय डिफरेंशिएबल प्रूफ कर देंगे वो मस्ट बी कंटिन्यूअस, वो सतत भी होगा। लेकिन यदि कोई फलन कंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। इसलिए मान लो हमको किसी क्वेश्चन में दोनों बात पूछता है, मान लो हमको किसी क्वेश्चन में दोनों बातें पूछता है कि वो अवकलनीय है कि सतत है, दोनों बात चेक करिए करके, तो पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको चेक करना चाहिए डिफरेंशिएबल। क्यों चेक करना चाहिए, क्योंकि यदि वो डिफरेंशिएबल हो गया तो सीधा एक लाइन में लिख देंगे कि चूंकि यह डिफरेंशिएबल है तो यह सतत भी होगा। लेकिन यदि डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तब हम उसके कंटिन्यूटी चेक करेंगे बाद में। क्यों, क्योंकि यदि वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर सतत का चेक करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि सतत फंक्शन कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, सतत फंक्शन जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो, लेकिन हर अवकलनीय फलन क्या होता है, सतत होता है। तो ये नोट महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। और अब मैं कुछ क्वेश्चन की सहायता से ये आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, दो चार क्वेश्चन बताऊँगा और ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दो चार क्वेश्चन लेके इसको चेक करते हैं। ये फार्मूला आप याद रखोगे, ये नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ये कहलाता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिबिलिटी के। एक्चुअल में सातत्य और अवकलनीयता दोनों एक जैसा चीज है, तो दोनों के क्वेश्चन कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, आसान है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया, सो दैट द फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हमको प्रूफ करना है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, एंड आल्सो फाइंड, और हमको फाइंड करना है एफ डैश वन, इसका मान ज्ञात करना है। मतलब एक्स इक्वल टू वन पर वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये हमको प्रूफ करना है, शो करना है। यदि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो हमको सिद्ध करना है कि यह एक्स इक्वल टू वन पर अवकलनीय है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, तो अपन निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले सपोज हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश वन इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ वन प्लस जीरो, एच वन प्लस एच, ए प्लस एच, फार्मूला ए प्लस एच होता है, तो वन प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ वन और अपॉन एच, ये इसके लिए फार्मूला हो जाएगा। वन के लिए फाइंड करेंगे तो दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब इसको हम क्या करेंगे फंक्शन के जगह में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर मतलब वन और अपॉन एच, दैट इक्वल यहाँ पर देखो यदि हम एच टेंस टू जीरो कर दें, यहाँ पर एच टेंस टू जीरो कर दें तभी नॉट डिफाइन है, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो यह हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको विस्तार करेंगे तो वन प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस वन माइनस वन के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वन माइनस वन को कैंसिल कर दिया। अब ऊपर से h को कॉमन करेंगे तो इस h के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो वो बच जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, एक h कैंसिल हो गया तो टू प्लस एच, टू प्लस एच, दैट इक्वल यहाँ से टू बचेगा, यहाँ से h बचेगा। अब लिमिट को टेंस करें, लिमिट को जीरो रखें तो जीरो हो जाएगा और आंसर आएगा टू। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ डैश वन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो
फंक्शन ऑफ, अब ये माइनस हो जाएगा, वन माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ वन अपॉन नीचे हो जाता है माइनस एच, इस प्रकार से नीचे माइनस एच हो जाएगा फार्मूला से, दैट इक्वल लिमिट पुट करें तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा वन माइनस एच होल स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, दैट इक्वल आगे इसको सॉल्व किया जाए लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको विस्तार करेंगे अपन, वन माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन माइनस एच, ये देखो वन वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम माइनस एच कॉमन करके कैंसिल आउट करें तो दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, यदि हम ऊपर से माइनस एच कॉमन कर लें, ये हमने माइनस एच कॉमन कर लिया तो टू माइनस एच हो जाएगा अपॉन माइनस एच, माइनस एच कॉमन करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस एच कैंसिल आउट हो जाएगा और एच टेंस टू जीरो रखेंगे तो मिलेगा टू ये, तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिएटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिएटिव दैट इज इक्वल टू टू, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डिफरेंशिएबल, देयरफॉर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अवकलनीय, अवकलनीय, अतः फंक्शन क्या हो जाएगा अवकलनीय हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और हमको पूछा है f डैश वन का वैल्यू, तो f डैश वन का वैल्यू कितना हो जाएगा ये टू हो जाएगा, क्लियर। तो सब क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, दोनों बराबर हो गए तो डिफरेंशिएबल है, और बराबर नहीं हुए तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये इरेज कर देता हूँ मैं, दो चार क्वेश्चन आपको करा दूँ तो इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, रहने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए आपको लिमिट बाय कमांड होना चाहिए बस, क्योंकि लिमिट नहीं पता हो, हालांकि इसमें बहुत इजी लिमिट यूज़ होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट लिमिट तो इसमें यूज़ होता नहीं। ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको चेक करना है, डिस्कस अबाउट डिफरेंसिबिलिटी, डिस्कस अबाउट डिफरेंसिबिलिटी, अवकलनीयता के बारे में डिस्कस करो बोल रहा है, मतलब वो प्रूफ करें नहीं बोल रहा है, बता रहा है कि आप चेक करके बताओ, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इसके डिफरेंसिबिलिटी के बारे में हमको चेक करके बताना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो यह तो जरूरत नहीं था देने का, लेकिन फिर भी फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया हुआ है रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये कंटिन्यूटी में काम आता है, डिफरेंसिबिलिटी में काम नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यह हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, हमको जीरो पर चेक करना है, तो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एच अपॉन एच दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये जीरो प्लस एच हम यहाँ एक्स के जगह पुट करेंगे तो हो जाएगा जीरो प्लस एच इंटू साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच और माइनस, अब एच पुट करेंगे यहाँ पर एच इंटू साइन वन अपॉन एच और अपॉन एच, इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर हमको जीरो के लिए पुट करना है, सॉरी जीरो के लिए करना है ना, फंक्शन ऑफ ए जीरो होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर देखो यहाँ जैसे हम जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो पूरा का पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इस तरह से। अब आगे इसको सॉल्व करें, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर एच इंटू साइन वन अपान एच होगा, एच इंटू साइन वन अपान एच 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 के साथ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दैट इक्वल अब यहाँ पर देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो और हो गया साइन वन अपान एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब हम एच को टेंस करें तो नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिटरमाइंड, नॉट डिटरमाइंड मतलब इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब चूंकि नॉट डिटरमाइंड वैल्यू आ गया तो हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव ही तो अपरिभाषित आ गया, नॉट डिटरमाइंड आ गया, तो देयरफॉर
देयरफॉर क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, अतः फलन अवकलनीय नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन में बोला है डिस्कस अबाउट डिफरेंशिबिलिटी, कि डिफरेंशिबिलिटी के बारे में चर्चा करो, तो यहाँ से पता चल जाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सिचुएशन जानना है कि इस तरह के कंडीशन में आने के बाद वो नॉट डिटरमाइन हो जाता है। तो कुल मिला के डिफरेंशिबिलिटी बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसानी है। कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद ये उसका रिविजन जैसा ही है समझ लीजिए, लेकिन एक टॉपिक है हमको इसको कराना है आपको। इसके बाद हमारा मेन डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से, जहाँ पर हम अवकलन करना डी बाई डी एक्स, फिर बहुत मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका। आज ही मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से उसको हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उसको हमको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। देखिए थोड़ा सा चेंज है बस क्वेश्चन में, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। इसके भी हमको डिफरेंशिबिलिटी को चेक करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा है। अभी जो क्वेश्चन देखे उसमें इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, क्लियर। तो चलिए उसी पैटर्न पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f जीरो पर चेक करना है, तो आप f डैश जीरो भी लिख सकते हो, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ जीरो अपॉन h, दैट इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर दें, तो जीरो प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन जीरो प्लस h, और ये तो माइनस, इसके कारण जीरो हो जाएगा, और अपॉन h, दैट इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन h अपॉन h, दैट इक्वल यहाँ पर एक h इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू साइन वन अपॉन h। अब अभी के क्वेश्चन में क्या था, ये नॉट डिटरमाइन कंडीशन था, लेकिन यहाँ पर h का मल्टीप्लाई होने के कारण जब h को टेंस टू जीरो करेंगे तो पूरे फंक्शन को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा, तो यहाँ पर वैल्यू इसका डिटरमाइन हो गया। बस इतना अंतर है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होने से इसका वैल्यू जीरो आ गया। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर। चलिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो f डैश जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ जीरो और अपॉन माइनस एच, दैट इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, ये जीरो होगा और अपॉन माइनस एच, दैट इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो, ये तो हो जाएगा h स्क्वायर इंटू साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो सामने माइनस आ जाएगा और हो जाएगा साइन वन अपॉन एच अपॉन एच, दैट इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो, एक h कैंसिल होगा तो हो जाएगा माइनस h इंटू साइन वन अपॉन एच, अब यहाँ लिमिट टेंस करेंगे तो इसके कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दोनों का वैल्यू सेम है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं बस आपको लेफ्ट राइट डेरिवेटिव निकालना है, उसको दिखाना है, ठीक है। तो यह है डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और बता दूं आपको, बाकी आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इसके। वैसे कंटिन्यूटी के करते करते ही इसकी प्रैक्टिस हो जाती है मान के चलो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और बता दूं आपको, डिफरेंशिबिलिटी सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये दोनों हैं
ये दोनों चेक करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री ये क्वेश्चन है अपना, इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंस, इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये ध्यान रखना, ये फलन सतत है, ये फलन क्या है, सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नए पैटर्न का है, दोनों चीज इसमें हमको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अपन चेक कर लिए कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी हमने इसका कंटिन्यूटी चेक किया। तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है और हमको चेक करना है किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू थ्री, ये लिखना भूल गया था, थ्री पॉइंट पर अपने को चेक करना है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री सतत है, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफ्रेंशिएबल है, किस पर, एक्स इक्वल टू थ्री पर। तो पहला काम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो हमको मालूम है सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ थ्री निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ थ्री यहाँ पर रख दें, मॉड ऑफ थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम निकालेंगे एफ थ्री प्लस जीरो दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ थ्री प्लस एच, ये कंटिन्यूटी आपको बहुत प्रैक्टिस कराया मैंने। अब इसका वैल्यू को हम यहाँ पर, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ एक्स के जगह हो जाएगा थ्री प्लस एच माइनस थ्री दैट इक्वल थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा जीरो, इसका वैल्यू जीरो आ गया, दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। अब हम चेक करते हैं एफ माइनस थ्री, सॉरी थ्री माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ थ्री माइनस एच दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस एक्स के वैल्यू को अब फिर यहाँ पर अपन पुट करते हैं तो मॉड ऑफ थ्री माइनस एच माइनस थ्री, यहाँ पर देखो थ्री टू कैंसिल माइनस एच का मॉड से बाहर प्लस एच आएगा, टेंस टू जीरो करेंगे तो जीरो, दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। चूँकि फंक्शन ऑफ जीरो, सॉरी फंक्शन ऑफ थ्री, फंक्शन ऑफ थ्री इक्वल टू फंक्शन ऑफ थ्री प्लस जीरो प्लस फंक्शन इक्वल फंक्शन ऑफ थ्री माइनस जीरो, तीनों इक्वल हैं तो देयर फोर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यह क्वेश्चन तो आप बहुत सा कर ही चुके हैं, इसमें क्या है रिविजन है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस चेक हो गया, क्वेश्चन ने बोला है कि सतत है, तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफ्रेंशिएबल। अब हमको इसको चेक करना है इसकी डिफ्रेंसिबिलिटी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, इसकी डिफ्रेंसिबिलिटी आपका नीचा चेक करते हैं डिफ्रेंसिबिलिटी। तो डिफ्रेंसिबिलिटी में क्या होगा, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ थ्री पर निकालना है तो एच प्लस थ्री माइनस फंक्शन ऑफ थ्री या थ्री प्लस एच, मतलब एक ही है थ्री प्लस एच अपान एच, यहाँ पर हम पुट करें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये वैल्यू पुट करें थ्री प्लस एच यहाँ पर तो हो जाएगा मॉड ऑफ थ्री प्लस एच माइनस थ्री और माइनस ये हो जाएगा मॉड ऑफ यहाँ एक्स की जगह पुट करेंगे थ्री तो थ्री माइनस थ्री और अपॉन एच दैट इक्वल आगे सॉल्व करें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ थ्री थ्री कैंसिल आउट होगा तो जाएगा एच माइनस जीरो अपॉन एच, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या वन, यहाँ वन हो गया। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ थ्री माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ थ्री अपॉन माइनस एच ये हो जाएगा दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पर हम पुट करें तो मॉड ऑफ थ्री माइनस एच माइनस थ्री माइनस ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री और अपॉन माइनस एच दैट इक्वल आगे हम इसको सॉल्व करें थ्री थ्री के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो जीरो हो गया और मॉड ऑफ माइनस एच
ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपान माइनस एच होगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस वन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट हैंड डेरिवेटिव वन आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस वन, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयर वॉज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनी नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन अवकलनी नहीं। तो नेचुरली इतना क्वेश्चन बताया आप समझ रहे होंगे कि बहुत ही आसान है। एक्चुअल में डिफरेंसिबिलिटी, कंटिन्यूटी थोड़ा डिफिकल्ट है, कंटिन्यूटी समझने के बाद डिफरेंसिबिलिटी अवकलनीयता में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं सफिशियंट क्वेश्चन आपको बता दिया। और अब इसके बाद हमारा रियल में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, बहुत दिन से आपको इंतजार है उसका, डी वाई बाई डी एक्स करना, उसके बहुत सारे मेथड। तो इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन के पूरे फार्मूले बताऊँगा सबसे पहले, और अवकलन करना आपको सिखाऊँगा, और फिर कंटिन्यूस हमारा वो चैप्टर चलेगा। ओके, थैंक यू।